हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज से लोकेश गेमर के बारे में। तो लोकेश गेमर इन दिनों कहीं पे घूमने गए हैं और कल उन्होंने अपने इंस्टा पे अपने जेब के साथ एक फोटो भी शेयर किया जिसमें लिखा था डे टू, यानी उनके घूमने गए हुए दो दिन हो चुके हैं। और इसके बारे में बात करते हुए लोकेश गेमर ने क्या कहा, देख लीजिए। एंड फेस कैम किस लिए नहीं आया आपको पता लग जाएगा, एक न्यू व्लॉग आने वाला है। हम लोग अभी हैदराबाद में नहीं है, बाहर है कहीं और, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे है, जहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस है। पता है हम लोग जहाँ पे अभी गाइस है, यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस है, और सोच लो कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक व्लॉग आने वाला है, बहुत ही तगड़ा वाला, और मेरे साथ एक बहुत अमीर ज़्यादा बनता है। तो गाइस एकदम ओपी वीडियो आने वाला है, तो 2-3 दिन फेस कैम नहीं करूँगा, लेकिन वीडियो तो रोज़ आएंगे कैसे भी। तो इसी के वजह से वो कुछ दिनों के लिए फेसकैम के साथ वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। हमारा अगला न्यूज़ है स्काई लॉर्ड के बारे में। तो कल उन्होंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें उन्होंने गुच्ची गैंग के बारे में बात किया था, और इसमें उन्होंने कहा था कि गुच्ची गैंग में काफी सारे स्कैमर भरे हुए हैं, और यही लोग काफी सारे स्कैम और फ्रॉड भी कर चुके हैं। और इसमें उन्होंने ताहिर फुएगो एफएफ के ऊपर बात करते हुए ये कहा कि ताहिर फुएगो ने लोगों से कितने सारे स्कैम और फ्रॉड किया है। और इसी के ऊपर स्काई लॉर्ड ने अपने इंस्टा पे दो स्टोरी शेयर किया था, और उसके एक स्टोरी में ये लिखा था वैसे कितने लोग स्कैम हुए हैं गुच्ची गैंग वालों से। और इसी के ऊपर ताहिर फुएगो ने भी अपने इंस्टा पे कुछ स्टोरी शेयर किया, और इसमें उन्होंने स्काई लॉर्ड के साथ पहाड़ी गेमिंग और फेम क्लेशर को भी रेडी होने के लिए बोला, और इसी के साथ नीचे लिखा था अभी तक कंट्रोवर्सी नहीं की क्योंकि मेरे कोई से ग्रो करना नहीं था, पर अब लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए तो गेम की तरह इधर भी टॉप ही करेंगे। और इसी के साथ ही उन्होंने पहाड़ी गेमिंग के बारे में बात करते हुए ये लिखा, एक बात बोलनी थी, बहुत दोगले देखे बट पहाड़ी गेमिंग जैसे दोगले नहीं देखे। और इसमें रेड कलर में लिखा था दोगले है कि उस करो खुद नाम मेरा लगाओ और फाइनल भी जीतो, तुम भी वीडियो जरूर देखना। और इसके ऊपर लिखा था लोग भी समझ रहे अब पहाड़ी गेमिंग। और इसी के साथ ही ताहिर ने स्काई लॉर्ड का एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया जिसमें स्काई लॉर्ड एक लड़की को कुछ बोल रहे थे, और इस वीडियो क्लिप में स्काई लॉर्ड ने इस लड़की के लिए थोड़ा सा गालियों का भी यूज किया था। तो इसी के ऊपर ताहिर ने ये लिखा कि एटलीस्ट रिस्पेक्ट गर्ल्स। तो इसका रिप्लाई देते हुए स्काई लॉर्ड ने अपने इंस्टा पे एक और स्टोरी शेयर किया, और उसमें उन्होंने ये कहा वो तुम्हें लड़की के नाम पे गुमराह करेंगे पर तुम आईडी क्यू स्कैम की पर रुके रहना #digitalchor। इज्जत दोगे इज्जत मिलेगा, फेमिनिज्म किस बात का जब गवर्नमेंट बोलती है लड़का लड़की एक समान, एनी डाउट टॉपिक मत चेंज कर, आईडी वापस कर, आईडी हरा कलर का बंडल है उसमें। तो इसी के साथ ही कल स्काई लॉर्ड की स्ट्रीम पे इस टॉपिक के ऊपर कुछ लोग स्पैम कर रहे थे, और इसके ऊपर ऑडियंस ये बोल रहे थे कि ये सब ताहिर के डिस्कॉर्ड से चल रहा था। तो इन सब के वजह से कल स्काई लॉर्ड अपनी स्ट्रीम पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और इसमें स्काई लॉर्ड ने ताहिर फुएगो और गुच्ची गैंग के बारे में काफी कुछ बोला भी था, पर स्काई लॉर्ड ने इस लाइव स्ट्रीम को बाद में प्राइवेट कर दिया जिसके वजह से हम लोग ये क्लिप आपको दिखा नहीं सकते। पर लगता है स्काई लॉर्ड ताहिर फुएगो और गुच्ची गैंग के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे, और ताहिर फुएगो ने पहले ही बोल दिया कि वो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो अभी देखते हैं उनका ये कॉन्ट्रोवर्सी कब तक चलता है और कब तक खत्म होता है। अगला न्यूज है एक्स मैनिया के बारे में। तो कल जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो उनके साथ एक फनी सीन बन गया। दरअसल कल उनके लाइव स्ट्रीम करने के दौरान उनके एक फैंस आके उनके घर के अंदर घुस गया, और ये बच्चा घर के अंदर आके एक्स मैनिया से डीजे लोग मांग रहा था, और उस टाइम पे एक्स मैनिया के साथ देसी गेमर्स भी गेम खेल रहे थे। तो इसके ऊपर इन दोनों ने क्या कहा और उनका रिएक्शन क्या था उसके ये क्लिप आप लोग देख लीजिए। अरे यार मैं काम कर रहा हूँ, बाद में आइयो यार। हाँ बाद में, हाँ हाँ ठीक है। हेलो अमित भाई, ये अलग दे दो भैया, अलग दे दो। घर में आ गए गाइस, गाइस 2 मिनट साइलेंस फॉर एक्स मानिया। घर में आके कोई अलग मांग रहा है गाइस, टू मिनट गाइस। कसम से मेरा ऐसा हुआ ना, माँ कसम मत आओ यार, घर पे तो आना ही मत अगर कोई आसपास वाले देख रहे हो तो। और ये मैं कुछ नहीं देने वाला भाई, मैं तो साफ साफ बोलता कुछ नहीं देने वाला। मैं कौन सा दे रहा हूँ, मैं गेम में मिलूंगा अगर उसको मैं कुछ टैक्स दूंगा, 5 किल 4 किल 2 किल कर तब दूंगा, तब दे दिया। कस्टम जीते मैं दे दूंगा, ये मेरे को मतलब जरूरी है कि घर में आकर मांगूंगा दे दूंगा, नहीं दूंगा मैं। हेलो भाई, भाई काम कर रहा हूँ यार, मैं बोल दिया एक बार, उसको माइक लगा ना मानिया, क्या है उसको हेडफोन लगा देना, मानिया मैं बात करता हूँ, माने हेडफोन लगा देना। मैंने जस्ट इमेजिन कर मानिया कि तू फेस क्यों कर रहा है। नहीं मैं घर चेंज करूंगा अपना बस। मानिया गाइस, मानिया के घर में आया गाइस आलोक आर्मी का लफड़ा गाइस। मगर अंदर से कैसा फील हुआ जब घर में स्ट्रीम के टाइम कोई आलोक मानिया निकला है? हमें कतई पसंद नहीं है, ऐसा लगा जैसे उसको पकड़ के और उसको समझाऊं बैठा कि भैया ऐसा नहीं होता।
और अघोरी गेमिंग के साथ जो गेम डॉट टीवी और टीएचजी स्क्रीम वॉर टूर्नामेंट क्या प्रॉब्लम हुआ था वो ठीक हो गया और इसी के ऊपर उन्होंने अपने इंस्टा पे ये स्टोरी दिया और इसके आखिर में बस उन्होंने ये कहा कि आगे से ख्याल रखना, यानी वो लोगों के साथ जो दिक्कत होता है उसको ठीक करने का बात कर रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि उनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ था वो ठीक हो गया। अगला न्यूज है बैच 99 के बारे में। तो जो उन्होंने अपने चैनल पे क्यूने वीडियो के लिए पोस्ट किया था उनके ये क्यूने वीडियो कल आ गया और इस वीडियो में उन्होंने अपने नाम यूट्यूब अर्निंग से लेके और भी काफी सारे क्वेश्चन का आंसर किया। तो इसका एक छोटा सा क्लिप आप लोग देख लीजिए और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट? सबसे बेकार मोमेंट क्या था यार, वैसे सोचना पड़ेगा। चलो स्कूल का ही बता देता हूँ गाइस। देखो तब 12th क्लास में ना हम लोगों ने मैं और मेरे दोस्तों ने, जो मेरे तीन दोस्त थे, हम लोगों ने प्लान बनाया था। उस टाइम ना हमारे स्कूल खत्म होने वाला था, विंटर्स वैकेशन शुरू होने वाले थे। तो हमने कहा चलो एक मेमोरी बनाते हैं, अब तो हम स्कूल पास आउट होने वाले हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग स्कूल बंक करेंगे, यानी कि हम घर से आएंगे लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे, बीच में ही अंडरग्राउंड हो जाएंगे। तो हम गए और सब कुछ बढ़िया जा रहा था, लेकिन देखो आते वक्त हमने क्या गलती करी। जैसे हमारे स्कूल की छुट्टी होती थी 2 बजे और 2:10 पे मतलब बच्चे नीचे रोड पे पहुंचते थे, और हमने क्या गलती करी उस दिन, हम 2 बजे रोड पे पहुंच गए थे उस टाइम के हिसाब से। और उतने में हमारी किस्मत इतनी बुरी थी ना, जो हमारे स्कूल के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थे, जो हमारे पीटीआई थे, वो पता नहीं वो भी स्कूल में नहीं थे, वो भी कहीं बाहर गए हुए थे, और उन्होंने इधर को रास्ते में आते हुए हमको देख लिया था। लेकिन उस वक्त उनको पता नहीं था कि यार हम लोगों ने बंक मारा, क्योंकि उनको भी लगा था कि हाँ छुट्टी हो गई होगी। हमने कहा सर गुड आफ्टरनून, उन्होंने भी गुड आफ्टरनून करके वो चले गए। और नेक्स्ट डे हमको पता था हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि फिर आगे जाके सर ने देखा कि कोई और बच्चे है नहीं रोड पे, सिर्फ हम ही थे। तो सर वहां पे समझ गए थे। तो नेक्स्ट डे जब हम जा रहे थे ना, तो उस दिन भाई बहुत बुरी वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि हमें पता हम फंस चुके हैं। और वो सर हमारे ना वहीं पे स्कूल गेट पे रुके हुए थे, और वहीं से हमको ले गए सीधे प्रिंसिपल ऑफिस। तो मेरे ख्याल से वही सबसे बेकार दिन था यार। उसका क्या हुआ तुम मत पूछो। और अनग्रेजुएट गेमर ने जो ग्रैंड मास्टर से गोल में जाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया था, उसको उन्होंने कल फाइनली पूरा किया और अपना रैंक माइनस करके गोल में आ गए। और इसी के बारे में कल उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो के साथ ये कॉमेडी पोस्ट भी किया। और विलन गेमिंग ने जो कहा था कि वो होम टूरिया पे जिस जगह में वो सब्जी बेचते हैं उस जगह का ब्लॉग वीडियो लाएंगे। तो फाइनली कल उन्होंने अपने चैनल पे ये ब्लॉग वीडियो अपलोड किया। तो आपको अगर उनका ये वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और रोकी भाई ने ये बताया कि अब से रजिस्टर हर टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, चाहे वो ऑफिशियल टूर्नामेंट हो या फिर अनऑफिशियल टूर्नामेंट, यानी अब से रजिस्टर स्पोर्ट पे भी काफी ध्यान देंगे। तो रजिस्टर के बारे में बात करते हुए रोकी भाई ने क्या कहा देख लीजिए। लेकिन गाइस सबसे प्राउड बात मैं आपके सामने आज एक ग्रैंड अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा फॉर द फैंस ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड रजिस्टर आज के बाद ई स्पोर्ट्स का हर एक टूर्नामेंट खेलेंगे, चाहे वो फ्री फायर का ऑफिशियल टूर्नामेंट हो, क्रिटिकल एक्स हो, या कोई भी टूर्नामेंट। रजिस्टर विल बी प्लेइंग द ऑफिशियल टूर्नामेंट, एवरी ऑफिशियल टूर्नामेंट। स्टारों के स्टार रजिस्टर फाइनली ई स्पोर्ट्स की दुनिया में आप कदम रखते हैं, और सीरियस टीम बना ली गई है यहाँ पे। उज्जवल को बुलाया गया है एक्सपीरियंस के लिए, राहुल उनके साथ पहले से है, विश्वास जो इनके भाई हैं। तो रजिस्टर और किसी पे नहीं, अपने सगे भाई के ऊपर ही भरोसा रखाया है यहाँ पे। अगला न्यूज है टू सेट गेमर्स के बारे में। तो काफी दिनों के गैप के बाद वो कल से अपने चैनल पे फिर से लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया, और वो लोग दिल्ली में जहाँ पे गए थे उसका काफी सारा ब्लॉग वीडियो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और वो लोग जो स्पेशल वीडियो के बारे में बात किया था वो शायद इन वीडियो के साथ ही अपलोड कर दे। तो अभी के लिए आप लोग इसका वेट कीजिए कि कब तक उनका ये वीडियो आता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो फेम क्लेशन ने कम्प्लीट कर लिया है 100K सब्सक्राइबर, और एसएसएस आर्मी को मिल चुका है उनका गोल्डन प्ले बटन। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। तो ये था आज का कुछ न्यूज और कुछ अचीवमेंट। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।